दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 31 मई 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के रिगार्डिंग आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। वही दूसरी तरफ क्रिकेट का महासंग्रह यानी IPL 2023 के रिगार्डिंग भी हमें काफी सारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मैचेस के रिगार्डिंग ऑक्शंस के रिगार्डिंग देखने को मिली है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर। जी हां, जून महीने की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज खेलने वाले हैं। T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, BCCI ने भी भारतीय टीम के स्क्वाड्स के अनाउंसमेंट कर दी है, अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने भी इस दौरे के लिए अफ्रीकन टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में इस सीरीज के रिगार्डिंग हमें 3-4 बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है ऑडियंस को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना कि BCCI ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया है कि जिस तरह से हमें IPL 2022 के प्लेऑफ्स में फुल ऑडियंस देखने को मिली है, बिल्कुल उसी तरह से फुल ऑडियंस के साथ हमें यहां पर भारत और अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के सभी महामुकाबले लाइव देखने को मिलने वाले हैं। COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस यहां पर हटने वाली है, तो कहीं ना कहीं सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अब यहां पर हर फैन स्टेडियम में जाकर मैच को एंजॉय कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है बायो बबल को लेकर। कल यहां पर अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ BCCI ने भी कंफर्म कर दिया कि भारत और अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज में बायो बबल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। पिछले 3-4 साल में पहली बार हमें यहां पर बिना किसी बायो बबल के क्रिकेट की सीरीज देखने को मिलने वाली है। COVID-19 क्राइसिस यहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बार फिर से जिस तरह से पहले 3-4 साल पहले क्रिकेट होता था बिना किसी बायो बबल के, 2 दिन पहले टीम यहां पर भारत थी, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भारत और अफ्रीका के बीच हमें सीरीज देखने को मिलेगी। किसी भी टाइप का कोई भी बायो बबल और बायो बबल के रूल्स हमें यहां पर बिल्कुल भी यहां पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आप सभी को पता है कि सीरीज के लिए BCCI ने ऑलरेडी भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था। शानदार स्क्वाड्स थे भाई, सब कुछ यहां पर बिल्कुल फिट था, लेकिन अचानक से BCCI ने यहां पर बीच में मन बनाया कि भाई सभी खिलाड़ियों का पर एक फिटनेस टेस्ट लिया जाए। जी हां, जो आपको पता है कि BCCI उसको यो-यो टेस्ट का नाम लेती है। भाई 5 जून को सभी खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट होने वाला है और भाई जून-जून से खिलाड़ी यहां पर इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर देंगे, वो यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन भाई जो-जो खिलाड़ी यहां पर क्लियर नहीं कर पाए उनको यहां पर डेफिनेटली भारतीय टीम से पत्ता कट जाएगा। पहले भी काफी सारे खिलाड़ियों का पत्ता कट चुका है, ऐसे में भाई कहीं ना कहीं भारतीय टीम में शामिल होने के लिए यो-यो टेस्ट को क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर, जहां पर भाई फिलहाल सबसे बड़े सस्पेंस में एशिया कप ही चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की होस्टिंग राइट्स यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को दे दिए थे। श्रीलंका फिलहाल क्राइसिस चल रहा है, जिसके बाद भाई ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आएगी भाई यहां पर UAE में हमें एशिया कप 2022 देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कल एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली, जहां पर भाई ACC अब प्रीपोन करने का यहां पर मतलब विचार करें कि थोड़ा जल्दी यहां पर एशिया कप शुरू हो और भाई श्रीलंका में एशिया कप। हालांकि यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ACC ने अभी तक यहां पर फाइनल वेन्यू के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट नहीं दिया, लेकिन जैसे हमें किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है IPL 2023 के रिगार्डिंग, जहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि IPL 2023 के रिगार्डिंग हमें BCCI और ICC के
बीच एक बहुत ही बड़ी मीटिंग देखने को मिली थी, जहां पर बीसीसीआई ने काफी सारे बड़े बड़े सवाल आईसीसी के सामने रखे थे, काफी सारी यहां पर भाई मतलब उनके साथ अपने विचार भी साझा किए थे। बीसीसीआई ऐसा चाहते कि आईपीएल में कुल 94 मैचेस जो अगले सीजन में 94 मैचेस देखने को मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर इसके ऊपर आईसीसी बिल्कुल भी इसको मंजूर नहीं करने वाली है। आईसीसी ने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली ऐसा बोला कि आईपीएल में नंबर ऑफ मैचेस को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट बायलैटरल सीरीज पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिसके चलते भाई यहां पर आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई ने अपनी तैयारियों की शुरुआत ऑलरेडी कर दी। दिसंबर मंथ में हमें मिनी ऑक्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पर भाई सभी टीमें अपने 3, 4, 5 जितने खिलाड़ी को रिलीज करना चाहती है रिलीज कर सकती है, और भाई बिल्कुल मतलब इस तरह से यहां पर फिलहाल फटाफट यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, जहां पर आपको पता है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने किरण पोलार्ड को अपनी टीम में रिटेन किया था, और भाई बिल्कुल फ्लो परफॉर्मेंस, ना बल्ले से कमाल दिखाया, ना गेंदबाजी में कमाल किया, ना ही फील्डिंग में कुछ करने को हमें पोलार्ड की तरफ से देखने को मिला। उनको यहां पर टीम की प्लेइंग 11 से भी बीच में ड्रॉप किया गया, काफी सारे मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन भाई अभी यहां पर एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है सभी मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए। जी हां, यहां पर जो खबर है वो ये कि भाई मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के ऑक्शंस के लिए भाई किरण पोलार्ड को अपनी टीम से रिलीज करने वाली, और ऐसे में यहां पर पोलार्ड मेरे को तो लगता है कि भाई यहां पर ऑक्शन में नहीं जाएंगे, यदि मुंबई इंडियंस को छोड़ देती है तो भाई वो यहां पर मेरे को लगता है कि आईपीएल ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी के तौर पर ही जाने जाते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। और भाई मुंबई इंडियंस जब जब टाइटल जीते हैं, 5 टाइटल जीते हैं, 5 बार वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा, ऐसे में यहां पर या तो भाई पोलार्ड रिटायरमेंट ले लेंगे आईपीएल से, या फिर भाई वो हमें यहां पर मतलब देखते मतलब ऑक्शन में हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर। जी हां, 12 जून वह तारीख होने वाली है जिस तारीख को भाई बीसीसीआई की लॉटरी लगने वाली है। जी हां, 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए में आईपीएल के मीडिया राइट्स अगले 5 साल के लिए बिकने वाले हैं। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर लाइन में लगी हुई कि भाई आईपीएल के मीडिया राइट्स किस कंपनी के पास जाए। हॉटस्टार है यहां पर, आपकी G5 कंपनी भी आ चुकी है, उसके अलावा भी यहां पर काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहां पर आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है आज 31 मई 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।